करते हैं भोपाल में, जहां एक महिला ने अपनी मां के साथ मिलकर पति से मारपीट कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने घटना के सबूत मिटाने के लिए घर में लगे सीसीटीवी फुटेज भी हटा दिए। कारोबारी का आरोप है कि उनकी अनुपस्थिति में उनकी पत्नी ने सास और ससुर के साथ मिलकर मकान का ताला तोड़कर घर पर कब्जा कर लिया, उन्हें घर से निकाल दिया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर पति पत्नी पर मारपीट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। गोपालनगर में रहने वाले 40 साल के ब्रजेश सिंह रेत गिट्टी के कारोबारी हैं। उन्होंने बताया कि उनका और उनकी पत्नी का 3 साल से विवाद चल रहा है। उनकी पत्नी ने तलाक के लिए 40 लाख रुपए की मांग की थी। उन्होंने अपना एक मकान भी पत्नी के नाम ही किया है। पैसे नहीं होने के कारण उन्होंने तलाक देने से मना कर दिया। गुरुवार दोपहर करीब 3:30 बजे वे घर पहुंचे तो उनकी पत्नी, सास और ससुर घर का ताला तोड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि ताला क्यों तोड़ रहे हो, हमसे चाबी ले लेते। इससे नाराज होकर उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। पत्नी ने कॉलर पकड़ी और सास ने जोर से धक्का दे दिया, इससे उनके सीने में चोट भी लग गई। मौके से ही डायल 100 को कॉल किया गया। पुलिस के पहुंचने के बाद भी उनकी पत्नी और सास नहीं मानी। पुलिस उन्हें पुलिस स्टेशन ले आई। यहाँ पर भी पत्नी और सास झगड़ा करते रहे। पूरी कमाई जो है पत्नी के नाम से किया था, अब आज पत्नी बदल चुकी है और पूरा संपत्ति हड़प ली है और मुझे घर से भगा दी है। मेरे सास ससुर और मेरी पत्नी और सब मिलके एक ताला खोलने वाले को बुला के लाके उन लोगों ने ताला तोड़ा। और जब मैंने बोला कि भाई ताला क्यों तोड़ रहे हो, मेरे से चाबी मांग लेते, मैं चाबी दे देता।